हेलो सुखवीर जी मैं वेट कर रही थी आएंगे सब इसलिए आने देते हैं पहले सबको ना आई गेस मैसेज तो आया है और हेलो एवलाज फिर से वेलकम है मैंने ग्रुप पे मीन वाइल वो भेजा था स्क्रीन शॉट ठीक है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एडवर्ड एल्बर्ट का है मैंने आपको बहुत पहले भी ये बोला था कि कभी भी लाइव मतलब अगर आप कि ऑनलाइन एग्ज़ाम दो या ऑफलाइन एग्ज़ाम दो कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो और आंसर की को चैलेंज करते हो तो वो कभी भी ऑनलाइन सोर्स को नहीं मानता वो उसकी शर्त यही होती है कह देते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई तो वो यही कहेगा कि कहाँ है रिटर्न रिकॉर्ड तो उसका जो ईयर है वो 1903 ही है जो डायनेस्ट करके जो हमने थॉमस हार्डी का अभी हमने डिस्कस किया है हेलो परमिंदर जी तो स्क्रीन मैंने इसी भेजा है कि वो चीज़ आप क्लियर कर लो ठीक है हमेशा रिटर्न को ही फॉलो करना क्योंकि क्या है कि रिटर्न को चैलेंज किया जा सकता है अभी आप जाओगे ना उसमें एडिटिंग का ऑप्शन है विकीपीडिया पे ईमेल आईडी मांगेगा बोलेगा कि आप अग्री करते हो या नहीं करते आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो लेकिन आपका क्या होता है कि ग्लोबली क्या होता है वो नाम रजिस्टर हो जाता है वो आई रजिस्टर हो जाती है ठीक है तो रिटर्न के हिसाब से 1903, 1906, 1908 ही है जो लोग नहीं समझ पा रहे अगर क्योंकि वो बाद में भी देखेंगे तो इसमें मैं जो डिस्कस कर रही हूँ इससे पहले हमने जो वीडियो 11 बजे के स्लॉट में डिस्कस किया थॉमस हार्डी का लास्ट ड्रामा की बात कर रही हूँ मैं एक ही ड्रामा हमने उसका डिस्कस किया है एपिक क्लोजर ड्रामा या वर्स ड्रामा जो कि 1903 में आया था पहली बार तो अब इनको डिस्कस कर लेते हैं मैंने थोड़ा सा लिख लिया था कि पोएट नॉवलिस्ट लाइब्रेरियन मेजर जो इनका प्रोफेशन था वो लाइब्रेरियन का था उसके बाद इन्होंने पोम्स बहुत ज़्यादा लिखी हैं नॉवेल्स बहुत ज़्यादा नहीं लिखी जैसे हम चार्ल्स एडिकन्स की बात करें या थॉमस हार्डी की बात करें जॉर्ज एलियट की बात करें तो इनके मुकाबले हम कहेंगे कि पोम्स बहुत ज़्यादा लिखी हैं कलेक्ट्री ऑफ मतलब जो कलेक्शन ऑफ पोम्स इनका आया है ना तीन तीन चार चार पाँच पाँच जो कलेक्शन आई है उसमें ज़्यादातर जो पोम्स हैं वो हमेशा ट्वेंटी प्लस ही रही हैं थर्टी टू पोम्स आ रही हैं देन थर्टी टू फिर से आई हैं फिर ट्वेंटी फोर आई हैं ठीक है लास्ट जो कलेक्शन था उसमें भी इतनी ही पोम्स थी आई गेस ट्वेंटी नाइन या थर्टी थी तो क्रिटिक भी थे ये जब हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा कि ये डी एच लॉरेंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे ठीक है उनकी राइटिंग्स को ये पढ़ा करते थे ये अभी मैं डिस्कस करूंगी तो यहां से थोड़ा सा आप एक आइडिया ले सकते हो कि अगर ये डी एच लॉरेंस को यानी कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस को पढ़ते थे तो किस तरीके का इन्फ्लुएंस इन्होंने लार्किंग पे छोड़ा होगा ठीक है जहां आपका दिमाग जा रहा है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है क्योंकि हम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं हम बायरन जैसे लोगों को भी पढ़ चुके हैं ठीक है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज जिनको हम आज कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था ठीक है ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसकी देखने को मिलेगी डब्ल्यू एच ऑर्डन डब्ल्यू बी ईट्स ठीक है जो आयरिश मूवमेंट के बड़े ज़्यादा फेवर में थे और थॉमस हार्डी भर भर के जो इनका वर्क था पढ़ा है अब पता नहीं क्या सीखा है या नहीं लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप थॉमस हार्डी की राइटिंग्स को और इनकी राइटिंग को कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है तो ऐसा हो सकता है कि पढ़ा बहुत कुछ हो ऑर्डन से गीट्स से और यहां से हार्डी से लेकिन जो चीजें ये लेना चाह रहे थे वो ली ना गई हूं हेलो सुनीता जी तो फिलिप लार्किंग को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें इनके बारे में हमें पढ़नी है पहली चीज जो ध्यान रखनी है ये एक सीडोनिम यूज किया करते थे ठीक है बहुत ही लंबा चौड़ा सीडोनिम ये यूज किया करते थे अगर पता है तो बता दो पहला जो लेटर है वो बी से स्टार्ट होता है क्योंकि किसी ने कहा था ये पता होना चाहिए मेरा भी ऐसा मानना है कि साथ के साथ क्लियर होना चाहिए ब्रूनेट करके कुछ था ब्रूनेट कैलमेन यही था ना कोल्डमैन भी मिलता है ठीक है तो प्लीज़ इसको ज़रा चेक कर लेना ए की जगह ई हो जाएगा कोलमैन ये इम्पोर्टेंट है ये याद रखना है कंटेम्प्रेरी राइटर में कि फ़िलिप लार्किंग जो स्यूडोनिम यूज़ किया करते थे वो अपने नाम से स्टार्टिंग में नहीं लिखते थे जो उनका नाम हुआ करता था वो ब्रूनेट कोलमैन था मुझे रीज़न नहीं पता ठीक है क्योंकि बींगा मैन ये तो अपना वर्क पब्लिश करा सकते थे बट मैं जब मैंने पहले भी डिस्कस किया था शार्लेट ब्रांटे को तब मैंने एक और चीज़ ही बताई थी बहुत सारी बार मेल मेंबर्स भी यूज किया करते थे सीडोनिम कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते इसलिए कोई और नाम उन्होंने लिया है हाँ जी सुनीता जी ठीक है अवलाज आप ध्यान रख लेना कि ब्रूनेट कोलमैन ये बहुत बार पूछ लिया जाता है किसका सीडोनिम है ये नाम उसमें देगा तो ये आंसर लगा देना नेक्स्ट चीज़ है द डेली टेलीग्राफ आप उप्रिंगिंग या बैकग्राउंड मैंने डिस्कस नहीं किया उसका रीज़न यही है कि सब कुछ स्मूद था प्रॉपर एडुकेशन थी बहुत मौज मस्ती वाली इनकी लाइफ रही है ठीक है चार्ल्स डिकिंस की तरह डिस्टर्ब नहीं रही तो किसी तरीके के बैकग्राउंड में इनको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था वो आपको पता भी चल जाएगा जब इनको आप इंडिविजुअली पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा द डेली टेलीग्राफ करके एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर है क्योंकि इनके टाइमलाइन आप देखो जिस टाइमलाइन में ये बिलोंग करते हैं तब तक ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी इंडिया में तो खैर ये चीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा टीवी आ ही रहे थे केबल सिस्टम आ ही रहा था ठीक है लेकिन जो भी ग्रोथ हमने देखी है वो नाइनटीन के बाद देखिए बाहर क्या था कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर के साथ ये काम करते थे द डेली टेलीग्राफ ठीक है हाँ जी लाइक जॉर्ज और उसके रिगार्डिंग भी कल किसी ने कुछ अच्छा जगदीप जी ने पूछा था एनिमल एंड फार्म करके एनिमल फार्म करके कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा था ठीक है अबलाज हाँ सही कह रहे हो वैसे आप समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहे हो दस साल इन्होंने इस ऑनलाइन न्यूज़पेपर के साथ काम किया टाइमलाइन है 1961 से लेकर 1971 तो अब एज अ क्रिटिक ये यहाँ पर काम करते थे ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वेल नोन पर्सनालिटीज होते हैं उनको बुलाया जाता है एडिटर के तौर पर उसको भी क्रिटिसाइज करने का काम होता है वो अलग से एक प्रोफेशन है तो ये यहाँ पर उस ऑनलाइन न्यूज को ना सिर्फ देखा करते थे बल्कि जो उसमें कॉलम्स उसमें में छपने से पहले नहीं प्रॉपर हुआ करते थे ठीक है कि जो आप जिसको क्रिटिसाइज करना कहते हो तो ये वहां ये काम किया करते थे अब वर्क की बात करते हैं कि 15 ईयर्स के जब ये थे मतलब इनकी एज फिफ्टीन इयर्स जब थी तब इनकी सबसे पहले एक पोम आई थी जो कि इनके स्कूल मैगजीन में पब्लिश हुई थी उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड एज सच तो नहीं मिलता मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिश हुई ही थी वो सिर्फ स्कूल मैगजीन में पब्लिश हुई है लेकिन क्योंकि इनकी क्रिएशन थी इसलिए हमें पढ़नी है ठीक है उसका जो नाम था वो था विंटर नॉट कम हाँ विंटर क्या हो एक सेकंड रुको नॉक टर्न अब आप ये कह सकते हो कि विंटर जो है वो नॉक कर रही है टर्न करने के लिए यानी कि आने के लिए ईयर इसका देख लो कि ईयर जो है इसका 1938 दिया हुआ है 1938 पर्सनली मुझे फिलिप जो है सोशल लेवल पे फिलिप लार्किंग ज्यादा पसंद नहीं आए ठीक है आपको ये पता चलेगा कि इनकी जो बैचलर लाइफ थी ही रिमेन बैचलर होल लाइफ तो कोई इनकी मैरिज का ऐसा साइन आपको नहीं मिलेगा लेकिन हाँ जो प्रोमिस का जो आइडिया है जैसे बायरन बहुत सारे लोगों के साथ थे एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स के साथ थे इनके साथ भी वही चीज थी तो थोड़े से ये मौज मस्ती वाले इंसान रहे होंगे हैरानी की बात यह है इनको भी पढ़ना पड़ता है ये पोम थी जो स्कूल में आई थी तो ऐसे लोगों को समझ नहीं आता मुझे कि क्यों पढ़ाया जाता है कुछ ऐसे पढ़ाओ ना चार्ल्स जैसे जिनसे हम कुछ सीख सके पढ़ाना था तो जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ाते पता नहीं क्यों मेंशन किया है इनको चलो कोई बात नहीं फर्स्ट जो बुक आई थी इनकी पहला जो मैंने आपको बता दिया कि पोम आया था फिफ्टीन की एज में मतलब इंटरन नॉक टर्न ठीक है सिर्फ स्कूल मैगज़ीन में आई 1938 में अब जो आएगी इनकी वो कलेक्शन ऑफ पोम्स है द नॉर्थ शिप इसकी रेफरेंस आपको मिल जाएगी प्लस अगर आप इसको नेट पे डालोगे तो आपको इसके अंदर कितनी पोम्स हैं वो भी खोल के दे देगा प्रॉपर लिस्ट देगा कि इसके अंदर 32 टू पोम्स आती हैं कुछ जो है वो बिल्कुल ब्लैक से लिखी हुई है यानी कि उनके ऊपर कोई भी सिर्फ आपको टेक्स्ट मिलेगा कोई भी समरी अवेलेबल नहीं है जो वो हाईलाइट करके देगा यानी कि ब्लू क्लिक करके दे देता है ना उसका मतलब होता है मटेरियल अवेलेबल है तो थर्टी टू पोम्स अब इसकी पोम्स नहीं पूछेगा इसकी पोम्स वो पूछेगा जिसमें मटेरियल अवेलेबल है ये पूछ सकता है द नॉर्थ शिप क्या है पढ़ने में दूर से ऐसा लग रहा है कि नॉव नौ, नॉवल लिखी होगी यानी कि प्रोज फॉर्म में होगा पर एक कलेक्शन ऑफ पोम है जो कि नाइनटीन में आई थी ठीक है थर्टी टू पोम्स का ये कलेक्शन था नाइनटीन ईयर ध्यान रखना पोस्ट वॉर पोइट भी इनको कहा जाता है किसी किसी जगह मिलेगा ज्यादातर जो है वो सिगमन फ्रॉयड मतलब फ्रॉयड तो नहीं सिगमन ससून को सिगफायड ससून को और ओवेन को कहा जाता है ठीक है तो ये दो राइटर्स हैं हमारे वॉर पोइट्स लेकिन क्या था इस टाइम तक वर्ल्ड वॉर वन हो चुका था ठीक है तो वो भी इन्होंने देखा वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ वो भी इन्होंने देखा मतलब ये तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे तो नहीं थे बट जो पोस्ट ट्रॉमा होते हैं वो इन्होंने जरूर देखे होंगे क्योंकि 1914 में अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और चार साल बाद यानी कि 1918 में खत्म हुआ था तो इनके पेरेंट्स तो तब थे ना जिस स्कूल में ये जा रहे हैं या जिस एटमोस्फेयर में ये रह रहे हैं कुछ तो इफेक्ट उस चीज का पड़ा ही होगा इसलिए हाँ जी नाइनटीन फोर्टी फाइव नॉर्थ शिप ठीक है तो बहुत जगह ये पूछ लेता है इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि थर्टी टू पोम्स आती हैं नाम तो आप नहीं याद कर सकते मैं क्लियर बता रही हूँ किसकी किसी की मेमोरी कितनी भी शार्प क्यों ना हो सौ पोम्स या उससे प्लस जब पोम्स के नाम याद करने पड़ेंगे ना तो वो फिर दिक्कत होती है क्योंकि अगर ये अकेला राइटर होता तो तो हम कर सकते थे बट इस जैसे हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है तो उनके साथ इसको एज अ होल या एज अ कंप्लीट याद रखना प्रॉब्लमैटिक है नेक्स्ट 1945 45 के बाद बात करता है जिल, ये इनकी एक थी, ठीक है जैसे चिल वर्ड होता है ना ऐसे याद कर लेना इसको जिल इसका ईयर मुझे बता देना फिर है A Girl in Winter. यहां से आपको इनका थोड़ा सा इंफ्लुएंस ऐसा मिल जाएगा कि ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है अट्रैक्टेड फील करते होंगे इसका ईयर है 1947. ये पोम के कलेक्शन के बाद डायरेक्ट बैक टू बैक दो इनकी नॉवल्स आई थी एक थी जिल और एक थी ये अ गर्ल इन विंटर सुखबीर जी ने कहा है 1946 करेक्ट ईयर है ठीक है 1946 नेक्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है इनके बारे में फिर से एक कलेक्शन ऑफ पोम है द लेस डिसीव्ड जैसे रिसीव्ड होता है ना ये डिसीव्ड है एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं एक तरीके से लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये आया तो 1955 में था ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक पोम है वैसे तो इसमें पोम्स हैं ट्वेंटी नाइन या थर्टी जो रैंडम मैं आपको आइडिया दूँ ट्वेंटी नाइन या थर्टी पोम्स यहाँ भी हैं उस वाले में थर्टी टू पोम्स थी ना यहाँ पर ट्वेंटी नाइन या थर्टी हैं जब आप काउंट करोगे तो कलेक्शन ऑफ पोम्स हैं जो कि नाइनटीन फिफ्टी फाइव में आया था इसकी एक बहुत ही फेमस हुई थी पोम जो है चर्च गोइंग ये जरा पढ़ लेना ये अवेलेबल भी है जब आप सर्च करोगे ना सर्च बॉक्स में डालोगे द लेस डिसीव्ड तो आपको वो दिखा देगा लिस्ट दे देगा पूरा जो ट्वेंटी नाइन थर्टी इसके अंडर आती हैं और उसमें से आपको मिलेगी द मतलब चर्च गोइंग इसमें जो चर्च का कॉन्सेप्ट है कि चर्च को एज एन इंस्टीट्यूशन दिखाया है लोगों की जो स्पिरिचुअल टर्म्स पे जो कनेक्टिविटी वो चर्च जाकर फिल करते हैं मतलब फुलफिल फील करते हैं अपने आप को सेटिस्फैक्शन हो जाती है उसके बारे में बात कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जिस एरा में से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे मतलब ये जहाँ बिलोंग करते हैं वहाँ पे वॉर क्राइसिस बहुत ज़्यादा था ठीक है तो जो प्रोमिसक्यूटी थी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हो रही थी लोग स्परिचुअलिज्म की तरफ रिलीजियस टर्म्स की तरफ वापस जा रहे थे हाँ जी एवलाज कैंपस लॉवल आप इसको कह सकते हो ठीक है जब आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी वहीं से पता चल जाएगा मेन है इसके बारे में पोम्स का याद रखना क्योंकि पोम्स इसकी थोड़ी सी कुछ कुछ पोम्स हैं जो सिग्निफिकेंट है ठीक है टोड्स भी इसकी बड़ी फेमस थी अब फिर से एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है इसकी द विट सन वेडिंग नाम देखो क्या है कौन से वाला वर्क हो गया ये सिक्स ईयर बता दो इसका कलेक्शन ऑफ पोम्स 1964 के 65 32 पोम्स हैं इसके अंडर अगेन वही है पहले में भी 32 थी फिर शायद 29 मान के चलो 30 तो मैं नहीं कह रही चलो एक कम कर देते हैं 29 फिर अब जो आई है वो 32 है अब एक और आएगी उसमें भी इतनी ही है सुखवीर जी कह रहे हैं 1964 सिक्सटी फोर हाँ जी करेक्ट है ठीक है एक और कलेक्शन ऑफ पोएट्री वो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से बनता है क्वेश्चन हाई विंडोज हाई विंडोज जो इसकी कलेक्शन ऑफ पोएट्री है इसमें से दो पोम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो है हाई विंडोज खुद यानी कि ये सेम ने, नेम है पहला नेम है ये इसकी कलेक्शन का कि हाई विंडोज़ करके इसकी कलेक्शन ऑफ पोएट्री है जो कि 1974 में आई थी दूसरी जो चीज़ इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि इसके साथ हाई विंडोज़ तो पढ़नी ही है मतलब कोई पोम भी है पहले मैं चेक कर लूँ एक बार कितनी पोम्स है इसमें 24, 24 पोम्स दिखा रहा है तो अब जरा ऐड कर लेना 24 ये हो गई 32 ये हो गई इसे पहले वाली 29 मान लो और इससे पहले वाली 32. तो कितनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी मतलब नाम ध्यान रखना पड़ेगा 1970 इसका ईयर बताओ 74 की 75 ये बता देना ज़रा इतने में आगे लिख दूं कि और क्या क्या पढ़ना है फोकस किस चीज़ पे रखना है पर्सनली तो मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे पर मजबूरी है पढ़ना दो चीजें और रह रेगेन में डिस्कस करने वाले बाकी कुछ है नहीं प्रीता धलीवाल जी हेलो 1974 सेवेंटी फोर ये करेक्ट है ठीक है हाई विंडोज में दो पॉइंट आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है पहले है हाई विंडोज खुद और जो दूसरी है वो है एनु मीरा बिलिस ठीक है इसे ये कहा जाता है कि ये एक ईयर था ऑफ चेंज ईयर ऑफ गुड लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं हेलो सोना जी कुलवीर जी नहीं सारी पोम्स इसके दिमाग में नहीं रखनी ये पॉसिबल ही नहीं है ये वाले राइटर को सारा रखना अगर ये नाइन्टी प्लस मतलब तीस 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 तो क्लियर तो वही हो गई अगर ये हंड्रेड प्लस पोम्स की कलेक्शन देकर गया है तो कितनी याद रख लेंगे हम हम नहीं रख सकते ठीक है एग्जाम प्रेशर इतना ज़्यादा है हम नहीं रख सकते तो हम क्यों नहीं वही वाली पढ़ें जो हमारे काम की है एनु मेरा बिल्ज जब आप इसके बारे में सर्च करोगे हेलो हरप्रीत कौर जी तो आपको ये सबसे पहले अगर ये टाइटल आप देखोगे ना तो ये सबसे पहले आपको ओपन करके देगा कि जी ये ड्राइडन ने लिखी है ड्राइडन ने लिखी है ड्राइडन की जो लिखी हुई थी वो 1667 में आई थी क्योंकि 1666 में ग्रेट फायर इन लंडन हुआ था मतलब सेवेंटी परसेंट जो लंडन है उसके जो बिल्डिंग्स हैं वो खाक हो गई थी आज जो हमें लंडन दिखाई देता है ना उससे पहले क्या था चौसर के टाइम में प्लेग आया था ब्लैक डेथ जिसको बोलते हैं ये खत्म होते ही फिर पेमाइन आ जाता है ठीक है तो बहुत सारे मतलब टिल सेवनटीन सेवनटीन सेंचुरी में जाके चीज़ें इसके बाद बेटर हुई हैं वरना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी तो जब ड्राइडन बात करते हैं ना तो ड्राइडन कैसे लंडन बच पाया लंडन की ग्रोथ कैसे बच पाई कैसे लोगों ने संभाला इस बम में ड्राइडन जब बात करते हैं तो वो इस बारे में बात करते हैं लेकिन जब ये हम पढ़ेंगे फिलिप लार्किंग ने जो लिखी है तो यहां पे वो जो प्रोमिसक्यूटी का आइडिया था ना इस चीज का ये भी रेवोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा आपको ठीक है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं राइटिंग्स में कैरेक्टर्स के बीच वो इस तरीके की बॉन्डिंग दिखाते हैं कि वो शुरू ही इन टर्म्स पर होती है तो एनु मीरा बिले जब ये आई हालांकि डिफरेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है नाइनटीन ये ईयर आपको मिलेगा जो फिलिप लार्किंग ने जब इसको लिखा है ठीक है, अब रीजन क्या है रीजन मैं आपको बताती हूं देखो 67 है ये यहां से जो इसकी इन्फ्लुएंस है ना 1963 में आपको याद होगा मैंने अभी बताया कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस की रेफरेंस हमें ये मिलती है कि ये जो पर्सन था ये हर्बर्ट लॉरेंस से क्या था इंस्पायर था एक तरीके से इन्फ्लुएंस था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का एक वर्क था लेडी चैटरलीज लवर अगर आपको याद हो तो अगर आपने इसका कोई मतलब डी एच लॉरेंस का अगर आपने कोई वाइट पिकॉक पढ़ा हो सनसन लवर्स पढ़ा हो क्योंकि वो तो मास्टर पीस है ठीक है या लेडी चैटरलीज जो लव के बारे में वो बात करता है इस वर्क का कहीं नाम पढ़ा हो तो 1963 में बहुत ज़्यादा जो आइडिया था ना इस चीज़ का ठीक है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप तो प्रोम बहुत ज्यादा इस चीज में इस वर्क में दिखाई थी एक फीमेल कैरेक्टर के थ्रू तो ये क्या था ये इस पे बैन लग गया था ये बैन लग गया था डीएच लॉरेंस का खुद भी पब्लिकेशन हाउस है बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन था तो प्राइवेट पब्लिशिंग होती है ना जैसे करा लेते हैं लोग लेकिन ये मार्केट में जाने से पहले जैसे गया गवर्नमेंट को पता चला लोगों ने पढ़ा तो ये बैन हो गया था ठीक है तो इसी का आइडिया 1963 से लेकर मतलब लिखना स्टार्ट किया फिलिप लार्किंग ने जब एक रिलीज हुई इसकी पोम मीरा मिलिस इस थीम के साथ तो ये आई थी 1967 में इसीलिए मैंने कहा था कि अगर डी एच लॉरेंस को लार्किंग जो है फॉलो कर रहे हैं या उनकी राइटिंग्स को पढ़ रहे हैं तो फिर आप सोचो कि इनकी आइडियोलॉजी किस तरीके की रही होगी ठीक है इसीलिए एनू मीरा बेलिस जो ड्राइडन ने लिखी वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ थी जो लार्किंग ने लिखी वो एक्सट्रीम ऑपोजिट है डी एच लॉरेंस को याद कर लेना लार्किंग को याद करते ही कि एल से लार्किंग और एल से लॉरेंस डी एच लॉरेंस ये आपको पढ़नी पड़ेगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इसका दूसरा जो इसका वर्क है पोम है टोर्ड्स टर्टल टोड्स मतलब हमारे लिए तो सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं चाहे हम बच्चे की बात करें ठीक है टॉड फ्रॉग की फैमिली से बिलोंग करता है तो ये एक पोम है ठीक है और ये जो पोम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम में है किस में है इसका ये मैं बता देती हूँ कि आपको ये किस में देखने को मिलेगी जब आप इसको डालोगे ना टोर्ड्स करके सबसे पहले ही वो सर्च कर देगा 1954 में है इसमें ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं ठीक है आइडिया ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि पढ़ पढ़ के भी करते हैं देन चार दिन रिवाइज नहीं करते या दो दिन रिवाइज नहीं करते वो भूल जाते हैं तो ये वाली पोम इसका मास्टरपीस एक तरीके से माना जाता है लार्किंग का क्योंकि इसमें इसने क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि जो भी ये वर्क कर रहे हैं वो डिस टेस्टफुल लग रहा है इनको ठीक है ये टेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात कर रहा है कि वो प्लेजेंट नहीं लग रहा उस वर्क में दिस टेस्ट बहुत ज्यादा है इनके हिसाब से कि इनको लिखने में मजा नहीं आ रहा तो ये चीजें थी इनमें जब आप को ध्यान रखनी पड़ेगी कि एनो मीरा पढ़नी है टॉर्ड पढ़नी है चर्च गोइंग ठीक है और हाई विंडोज़ जो कि हाई विंडोज़ में ही थी कलेक्शन में ये मैं बता चुकी हूं पहले ये वाली जो पोम्स हैं ये ज्यादा पढ़नी है ठीक है बाकी इनका वर्क का नाम ध्यान रखना है अदरवाइज लार्किंग में से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता पूछने के लिए अभी जो आएंगे ना इसके बाद आएंगे एक जो चीज इसमें से बन सकती है वो ये कि इसका स्यूडोनिम ब्रूनेट केलमेन ठीक है तो आप इसको थोड़ा पीछे रख सकते हो क्योंकि आप इसे जल्दी तो खत्म कर नहीं पाओगे क्योंकि आप क्या करोगे अभी कहने के बाद भी थर्टी टू पोम्स को जाके देखोगे देख लेना कई नाम बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ट्रिक बना के उन्हें याद कर पाओ ठीक है क्योंकि प्रीत गिल जी ट्रिक बनाती हैं तो अगर ट्रिक बना के कर पाओ तो ठीक है वरना इतनी जरूरत नहीं है इन जो बताया गया था तीन चार पोम्स हैं इनकी स्टोरी जरूर पढ़ लेना एश गेमिंग जी वॉल्टर पेटर ऑन स्टाइल हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग कह रहे हो वॉल्टर पेटर का स्टाइल ऑफ राइटिंग कि किस तरीके के वर्ड्स या वो यूज करता था क्लियर करो ये जल्दी एवलाज कह रही है आ गया बफर बफर कर गया क्योंकि मैंने आपका वो देखा था कमेंट उस पर एश गेमिंग जी क्लियर करो अगर आप स्टाइल इन टर्म्स ऑफ वॉट मुझे जहां तक पता है लिटरेरी टर्म में ही बात कर रहे हो आप स्टाइल की स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात कर रहे हो हेलो मधु जी वेलकम है आपका एश गेमिंग जी मैं वेट कर रही हूँ ठीक है नहीं तो फिर मैं आपको यही कहूंगी कि जो चैनल का लिंक है ना मतलब चैनल के बारे में जो अबाउट दिया हुआ है वहां जुड़ जाओ हेलो खुशी जी क्योंकि वॉल्टर पेटर को इतनी इंपॉर्टेंस हमें टीचिंग एग्जाम के हिसाब से तो नहीं देनी अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टेट का पता है जैसे केवीएस में ये चीज़ नहीं है वॉल्टर पेटर नहीं आता एन में वॉल्टर पेटर की एग्जिस्टेंसी नहीं, नहीं आता चेन्नई जो स्टेट बोर्ड का पेपर होता है उसमें वॉल्टर पेटर का एक आधा मतलब वर्क दिया गया है ठीक है मे का नोट्स ऑन वॉल्टर पेटर ऑन स्टाइल जो आप ये कह रहे हो ना मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से डील कर रहे हो तो फिर आप उस बिहाफ़ पे मांग रहे हो नोट्स स्टाइल ऑफ राइटिंग या आपको कोई ऐसा लिखना होगा ठीक है बिकॉज यूपीएससी में भी वॉल्टर पेटर नहीं है चेक कर चुकी हूँ मैं आ गया ना देखा मैंने कहा था कि आप किसी उसमें सेमेस्टर में यही है गेमिंग जी एर्थ सेमेस्टर कौन से ईयर ईयर में हो हो आप फोर्थ हो गया सेमेस्टर तो ये अभी जो है ये टीचिंग पर्सपेक्टिव से है ठीक है डू टेल मी द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ताकि मैं उसको विजिट कर सकूं ठीक है मुझे पता था कि आप इस स्टाइल की बात कर रहे हो तो या तो आपको किसी असाइनमेंट में इसको लिखना होगा किसी प्रोजेक्ट वगैरह में जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसकी बात आप कर रहे हो तो मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल विज़िट अदरवाइज़ ये मेरा काम अभी हाल फिलहाल नहीं है क्योंकि मेरा जो चैनल है वो या तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ डेली से डील करता है ठीक है पहली बात जहाँ से मैं खुद पढ़ी हुई हूँ जहाँ मैंने छः या सात साल बिताए हैं दूसरी बात क्योंकि मैं नेट क्वालिफाइड हूं ठीक है ऐसा मत सोचना कि मैं प्रमोशन कर रही हूं नहीं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं ना तो मैं इसी फील्ड में रहना चाहती हूं मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को हाथ नहीं लगाती तो आई कांट हेल्प यू इन स्टाइल ऑफ राइटिंग अगर ये शेक्सपियर होता ये वर्ड्स होता ये कोलरेज होता तो डेफिनेटली मैं करती क्योंकि उससे बाकियों की भी हेल्प होती इसके लिए आप अदर जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो ठीक है आप सर्च करोगे यूट्यूब पे एंड नंबर ऑफ लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं तो ठीक है एश गेमिंग जी आई हैथिंग टू डू विथ दट कंट्री सॉरी ठीक है तो मैं तो यहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती स्पेशली स्टाइल ऑफ राइटिंग में प्ले स्टोर पे जाइए प्ले स्टोर पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सर्च करेंगे आप ही की कंट्री से जहां से आप हैं आप ही की कंट्री से चार पांच लोग हैं जिन्होंने ऐप बनाए हुए हैं तो स्टाइल ऑफ राइटिंग पे तो आई कांट हेल्प सॉरी कोई और राइटर हो तो मोस्ट वेलकम है ठीक है क्योंकि मेरे फील्ड नहीं है मैं वो काम करती हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ तो नहीं हो पाएगा ठीक है चलो जी कल मिलती हूँ ग्यारह बजे कल नहीं कल नहीं कल मेरा ऑफ है परसों मिलेंगे मंडे को ठीक है परसों मिलते हैं तो सी यू द डे आफ्टर टमोरो